मम्मी मम्मी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। पापा अरे क्या हुआ, मैंने वीडियो बना रहा था। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पलाल। आज हमारी वीडियो और टॉपिक है कि मेरे को कई जनों ने मतलब पूछा है मेरे से कि जो रोटवाइलर होते हैं वो फर्स्ट टाइम ओनर के लिए कैसे होते हैं डॉग, और मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है रोटवाइलर के ऊपर कि एज एन ओनर ऑफ रोटवाइलर। तो मैं ये आज आपको बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा साथ में ना अपने ब्लॉग को। मैं इस वीडियो में मम्मी पापा और मेरी सिस्टर सबके पास लेके जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि थोर आपको कैसा लगा। और जो लोगों के दिमाग में और मिथ है, या फिर हम कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं रोटवाइलर है यार ये तो ना अपने ओनर को ही काट लेता है, रोटवाइलर है ये तो भाई इतना गुस्सा करता है, इतना भौंकता है, ये वो इतना खतरनाक है, ऐसे वैसे। मतलब मेरे को खुद पता चला है इतना, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ ना इसको घुमाने के लिए तो लोग जैसे पूछते हैं कौन सी ब्रीड है, मैं रोटवाइलर है, तो वो खुद कहते हैं भाई ये तो बहुत खतरनाक है। तो ये चीजें क्या सच में मेरे साथ थोर करने लग रहा है, या मेरे को लग रहा है फील हो रहा है कि आगे जाके थोर ऐसा होगा। थोर तो ये मेरा रोटवाइलर है, थोर थोर इधर आओ, जंप 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 जंप, ये ना रोटवाइलर मेरा। हाँ, मेरे को बहुत प्यारा भाई। हाँ थोरू थोरू थोर, देखो बातें जो नहीं मान, ऐसे कहते ना रोटवाइलर बातें नहीं मानते। थोर ये देख, थोर थोर इधर हो, इधर प्रॉपर कैमरे में आएगा। थोर सेट, थोर सेट 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 स्पीक स्पीक जंप गुड सेट 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 या स्पीक जंप ये ले। तो ये बातें आपने अभी देखी कि अब मैं बता देता हूँ, चलो नॉर्मल तरीके से रोड मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। पहला जो टॉपिक था कि ये फर्स्ट ओनर ब्रीड है या नहीं है, फर्स्ट ओनर ब्रीड मेरे तरफ से तो ये है। पता क्या बात होती है, ये जो ब्रीड्स होती है ना ये अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश करती है फैमिली में। अगर हम इन्हें बचपन से ये बता देना कि भाई तू लीडर नहीं है मैं लीडर हूँ, ये मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया था और ये मैं आपको वापिस बता रहा हूँ, इनको ये फील कराना पड़ेगा कि मैं तेरा ओनर हूँ, तू ओनर नहीं है मेरा। डॉग्स जो होते हैं वो पैक में रहते हैं, इनके ग्रुप को पैक बोलते हैं। अलग अलग पोजीशन होती है पैक में इनकी, और सबसे ऊपर इनका जो हेड होता है वो होता है ठीक है पैक में। तो ये अब इस चीज को एग्जांपल ले लो, हमारे घर में थोर के लिए हम चार जने जो हमारे फैमिली मेंबर है ये पैक है, तो इसमें ये अपनी कोशिश करेगा ये सबसे नीचे से सबसे ऊपर आए। तो हमें वो इसको बताना है कि भाई तेरी वो पोजीशन नहीं है, तू बीच में कहीं देख ले कहाँ आना है तेरे को। के ऊपर मिथ है इतने ज्यादा कि ये एग्रेसिव है, ये है वो, अपने ओनर को ही काट लेता है। तो भाई इस चीज का चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई सीन नहीं है अगर आप इसको ढंग से ट्रेन करोगे। तो अगर ट्रेन नहीं करोगे ना तो कोई भी डॉग होता है ना, चिवावा भी होता है ना, वो भी काट लेता है। सच्चाई तो यही है, बस वो उसका इम्पैक्ट छोटा है थोड़ा रहता है, ये बड़ी ब्रीड है तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, इसलिए ये बदनाम हो गए हैं। मैं अपने फैमिली मेंबर पहले मम्मी के पास जाऊंगा, फिर पापा के पास जाएंगे, फिर मेरी सिस्टर के पास जाएंगे। और जो मैं अभी कह रहा था ना पैक जो होता है उसके अंदर अलग अलग स्टेज होती है, तो इसने अपनी स्टेज में मतलब अपनी एक पोजीशन ढूंढ ली है। और वो पोजीशन पता क्या है, वो पोजीशन है सबसे ऊपर पापा मम्मी मैं, उसके बाद थोर और उसके बाद मेरी सिस्टर है, तो ये सिस्टर से ऊपर है। तो चलो अब मम्मी के पास चलते हैं। अभिव्यक्ति का ही खाना त्याग कर रही हूँ मैं। मम्मी मम्मी क्या यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा? ओफो। अरे बना, मैं ऊपर बोल आया इंट्रो में, मैं पूछ तो लेता। मेरी बात सुनो, जो वीडियोस में ना ऐसे बोलते हैं या और लोग बोलते हैं कि रोटवाइलर जो होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं और मतलब फर्स्ट टाइम ओनर है या नहीं है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं फर्स्ट टाइम ओनर हूँ और मेरी ये लाडी बेटी बहुत प्यारी, अच्छे अच्छे काली बेटी है मेरी, ये बिल्कुल मेरे
तुम दोनों से छोटी प्यारी बेटी है। और ये बताओ, मैं स्पेशल ख्याल रखती हूँ। ये बताओ मी, आज ट्यूसडे है, आज मैं मेरी बेटी को ना चिकन खाने दूंगी और ना ही मैं मेरी बेटी को एग खाने दूंगी। आज मेरी बेटी पनीर चावल और रात को मिस्सी रोटी और पनीर खाएगी ना लाडली बेटी। ये भी मैं अपडेट करूंगा कि क्या खाना देते हैं अम्मी से अब। अच्छा मैं ये बताओ, जो रोटवाइलर ऐसे कितने भी आप, जैसे आप भी घुमाने लेके जाते हो थोर को, तो जैसे लोग कहते हैं भाई ये बहुत एग्रेसिव है, अपने घर वालों को ही काट जाता है, ऐसा कुछ लगा आपको अभी तक? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, और बहुत ही प्यारी बेटी है मेरी तो। जो मैं कहती हूँ मेरी सारी बातें मानती है बेटी। अच्छा, और सुबह सुबह जैसे तुम्हें बादाम देती हूँ, 3 बादाम ये पक्का मेरे से लेने आएगा, और बीच बीच में जब भी इसको भूख लगती है तो मेरे पास आएगा, और जब इसको 1 बादाम देते हो जाके आराम से बैठ के खा के फिर लेने आ जाता है। तो मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है रोटवाइलर से? कोई शिकायत नहीं, मेरी बहुत ही प्यारी थोरी बेटी है। चलो एक बात और थी, जो तेरे जो सब्सक्राइबर है पूछ रहे थे कि आपके पापा आपके बड़े भाई लग रहे, तो उसका एक जवाब मैं दे दूं, तो वो ये है कि इसके पापा 44 ईयर्स ओल्ड है, और जो रचित पंगाले मेरा बेटा कन्नू लाडू है मेरा, और ये 21 ईयर्स ओल्ड है, इसका ये राज है। तो भाई पता चल गया सबको राज क्या था इस चीज का। अब मम्मी पापा से और पूछ लेता हूँ मैं, कैसा एक्सपीरियंस है थोर का? ठीक है मम्मी, आप खाना बनाओ। बेटे मेरे बेटे का चैनल सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा बेटा है मेरा, बहुत प्यारा बेटा है, और आप लोग भी जो मेरे बेटे के एज के हो मेरे बेटे हो, और जो मेरे हस्बैंड के एज के हो मेरे भाई साहब हो, और सभी और जो और बड़े हैं मेरे पेरेंट्स के हिसाब से, सभी मेरे बच्चे को सहयोग देना, धन्यवाद। चलो भाई अब पापा से पूछ लेते हैं। चलो फिर मम्मी जी से तो पूछ लिया, अब पापा से पूछते हैं। पापा पीछे गार्डन में बैठे हुए हैं, तो वहां चलते हैं। और जो मम्मी ने कहा ना फर्स्ट टाइम ओनर, वो रोटवाइलर के लिए था, कि रोटवाइलर के लिए हम फर्स्ट टाइम ओनर है, डॉग्स के लिए नहीं है फर्स्ट टाइम ओनर, पहले हमने डॉग्स रखे हुए हैं। तो चलो पीछे बैकयार्ड में चलते हैं। पापा हाँ। पता क्या हुआ, मैं ना वीडियो बना रहा था, अखबार पढ़ रहे थे क्या? पढ़ लिया। मैं ना वीडियो बना रहा था ऊपर, मैंने टेरेस पे बोला कि थोर के लिए पूछते हैं रोटवाइलर है, लोग ऐसे कहते हैं ना रोटवाइलर बहुत खतरनाक होता है या समथिंग लाइक दैट, और ये चीजें कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम ओनर डॉग ब्रीड है या नहीं है, तो इसके लिए आपका क्या राय है कि मतलब रोटवाइलर खतरनाक होते हैं या नहीं होते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि रोटवाइलर खतरनाक है। हाँ ये जरूर है कि आप इसको किस तरह से इसको रखते हैं, अगर आप बचपन से ही आप इसको फैमिलियर बनाते हैं, सबके साथ हम रखते हैं, तो ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। जो और पेट है ये सेम वैसा ही है, बिल्कुल सबके साथ घुल मिल के रहता है, सबके साथ खेलता है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि कोई ये लोग कहते हैं। हाँ ये जरूर है कि भाई देखता ही उसको ये कहते हैं कि भाई ये खतरनाक है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, ये बिल्कुल सबके साथ प्यार से रहता है, मिलजुल के और खुशी खुशी। अब वही बात है, आप इसको सोशल करेंगे तो सही तरीके से रहेगा, बचपन से इसको सबसे मिलाओ। हाँ, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है, सोशल रखो, सोशल यही है कि इसके साथ सबके साथ खुला घूमता है, सबके साथ खेलता है, अगर इसको हम एक कोने में जाके बांध देंगे है ना, तो सारा दिन इसको वहीं पे बंधा रहेगा, तो ये वैसे ही एग्रेसिव हो जाएगा। अब ये सारे दिन ओपन रहता खुला रहता है, तो बिल्कुल भी इसको ये 1% भी ऐसा नहीं लगता कि ये खतरनाक ब्रीड है। हाँ ठीक है, इसका रोब है, ये दिखता ऐसा है कि हाँ इससे लोग डर जाते हैं, तो ये तो इसका ये वास्तविकता है इसकी, इसका नेचर है ऐसा है इसका, इसकी बॉडी ठीक है, इसकी इसके चलने का इसका सिस्टम, इसकी जो लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज वो स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल, इसलिए लगता है लोगों को बस है। बाकी ऐसी डरने की बात नहीं है, ना ही कोई डरने की बात, कोई फर्स्ट टाइम ओनर है वो भी ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं रोटवाइलर पालूं तो क्या मेरे को मेरे लिए खतरनाक है मेरी फैमिली के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको आप प्यार से रखोगे तो बिल्कुल ये जैसे और घरेलू आप पेट पालते हैं सेम वैसा ही है। ठीक है फिर अब मैं मानू से और पूछाता हूँ। ठीक है, और आपकी बहुत तारीफ हो रही है, आपकी बहुत ज्यादा फिट हो आप, बताओ क्या राज आपका? फिट तो यही है बेटा कि सुबह सुबह कम से कम 45-50 मिनट तक वर्कआउट करते हैं, सुबह सुबह घूमते हैं, मैं ज्यादा बाहर का खाते नहीं, ऑयली खाते नहीं, फास्ट फूड नहीं खाते, घर का ही खाते हैं बस। तो ये राज है भाई, देख लो भाई जिसने पूछा था। चलो मैं मानू से और पूछा हूँ। ठीक है ओके, पढ़ लो अखबार। चलो मानू से, मेरी एक सिस्टर है उससे और पूछ लेते हैं। तो मानू शायद पढ़ रही है, पढ़ ही रही होगी, देख लेते हैं। मानू पढ़ रही है क्या? वीडियो बन रही है, हंस ले बेटे।
अरे मैं एक बात पूछ रहा था, बता कि थोर और तेरा एक्सपीरियंस कैसा है? थोर कैसे, ऐसे कहते हैं लोग कि मतलब तो ये जो अपना रॉटवाइलर होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो और ऐसा कुछ है या नहीं है तेरे को लगता है? ऐसे एग्रेसिव तो नहीं है, मतलब प्यारा सा है, खेलना हो तो मेरे को आके ऐसे हाथ मार के आजा खेलते आके, और जैसे मैं बिल्कुल आराम से बैठी हुई होती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही होती, मैं अपना मजे में फोन चला रही होती हूँ, आके धक्के से मेरे को छेड़ेगा चल खड़ी हो खेलने, मतलब मेरे को तो यार मेरा और थोर का ऐसा रिलेशन है जैसे टॉम एंड जेरी का होता है, पीछे पड़े रहते हैं, बहुत खेलते हैं हम दोनों। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, काटता वाटता तो नहीं होगा? अब 4 महीने हो गए इसको अपने पास, ऐसा तो कोई सीन नहीं हुआ कि काटता है? काटता नहीं। और फर्स्ट टाइम ओनर है मतलब ये रॉटवाइलर? फर्स्ट टाइम ओनर डॉग रख सकते हैं ना लोग? हाँ हाँ, आराम से, बस उनको मतलब आना चाहिए, उनको कैसे हैंडल करते हैं उनको ढंग से रखना आना चाहिए, और फिर आप कोई भी डॉग ब्रीड रख लो फर्स्ट टाइम में, वो कोई बड़ी बात पता है। जब है ना थोर मेरे कमरे में आता है ना, आते ही सबसे पहले खुद को शीशे में देखेगा, मैं कह रहा हूँ इस शीशे में देखता है, आता है पहले और सबसे पहले 2 मिनट तक यही खड़ा रहेगा कि देखेगा, फिर मेरे को देख के आजा खेलते थोर। एक बात है भाई, रॉटवाइलर्स में एटीट्यूड जरूर होता है, अगर ये कहता है ना कि भाई मतलब आप नॉर्मली ये बैठा हुआ है और इसको उठाओ, तो ऐसे कहेगा ऐसे मतलब ऐसे कहेगा और छेड़ो मत मेरे को, और जैसे ये अभी मानो करके दिखाई मानो करियो तेरे को तो पक्का करेगा ये देख 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 कि ये मानू को अपने से भी नीचे मानता है पैक में, तो वो ये सीन है देख लो। और अगर अब मैं दिखाता हूँ, मैं उठाऊंगा ठीक है, फिर मेरे को कुछ नहीं कहेगा ये, चलो चलो ये देखो मैंने उठा लिया, कुछ नहीं कहेगा। अब यही चीज मानो उठाएगी हेडसेट मानो उठाएगी ना, बस बस नो देखो तो ये चीज है, ये अपने आप को ना पैक जो तेनगा उसमें इसने अपने आप को सेट कर दिया भाई, ये हमारी इज्जत करेगा, इज्जत इसकी भी करेगा, इसकी प्रोटेक्शन भी करेगा, और इसका एग्जांपल इसने दिया भी था, वो किसी और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बट इसने अपने से नीचे अपने बराबर मान लिया अरमानों को, क्योंकि ये दोनों सेम एज के लगते हैं एक दो और एक साथ खेलते हैं ना, तो इसलिए इसको कह देता भाई बस जल्दी। तो चलो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, कैसी लगी वीडियो, फीडबैक कैसा लगा, फैमिली मेंबर्स ने जो बात बताई वो कैसी लगी, क्या क्या चीज आपको अच्छी लगी, वो सब चीजें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जरूर बताना कौन सी चीज आपको, कौन सी मूवमेंट अच्छी लगी वीडियो के अंदर, अपना फेवरेट मूवमेंट बताना वीडियो के अंदर कौन सा अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोज और जल्दी जल्दी हम ला के दें और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके बाय बाय।